ये देखिए, छुट्टी के मज़े तो ये दोनों ले गए हैं। मेरा तो क्या वेकेशन, क्या संडे। ये बेडशीट बदलना है मुझे। देखें तो, वॉट आर यू अप टू, वॉट आर यू डूइंग? ऐसे वीडियोस देख रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग हियर? ये कुछ जेली जैसा बना रही है। ओके खुशी, यू डोंट नो मामा इज हियर। यू आर सो बिजी वॉचिंग यूट्यूब वीडियो। दिस इज ऑन यूट्यूब राइट? ओके फाइन बच्चा, बेड खाली करो, मुझे बेडशीट बदलना है। ओके 5 मिनट्स ओनली। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और मैं अभी बेडिंग बना रही हूँ। जब घर में बच्चे रहते हैं तो आप सुबह कितना ही काम निपटा लीजिए, आप कितना भी बेफिक्र हो जाएं कि अब ये काम मेरा हो चुका है, पर ऐसा कभी नहीं होता है। जब बच्चे होते हैं तो आपको एक ही काम दो दो तीन तीन बार करने की ज़रूरत होती है। तो मैं बस अभी मशीन लगाने वाली थी, इसके लिए मैंने ये वाले बेड का जो बेडिंग है वो चेंज कर दिया है। और ये वाला जो बेडशीट है, इसके बारे में आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे। ये मैंने बिग बाज़ार से ख़रीदा था, एपिटोमी नाम का ब्रांड है। और ये बेडशीट मुझे थोड़ा अच्छा लगा, एज इन इसका प्रिंट तो मेरा पसंदीदा था ही, लेकिन इसके बारे में अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये मेरे बेडशीट पे, मतलब बेड पे ये बेडशीट अच्छे से फिट हो जाती है। चारों तरफ एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाता है मुझे कपड़ा, जिससे मैं उसको आराम से टक कर सकूँ। बस अभी आ गई हूँ मैं किचन में शाम का नाश्ता बनाने के लिए। शर्मा जी घर आने वाले हैं, इसके लिए मैं एक अच्छा सा नाश्ता बना रही हूँ। बहुत टेस्टी होता है और उतना ही इजी भी। और आज मैं बना रही हूँ मसाला पाव। जो पाव भाजी वाले भैया होते हैं उनके पास आपने ये ज़रूर खाया होगा। बहुत ईजी है और क्विकली बन जाता है। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, और यहाँ पर लगभग एक बड़ा प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। और प्याज को लाल नहीं करना है। आपने महसूस किया होगा मसाला पाव में जो सब्जियां होती हैं वो सब थोड़ी कड़ी कड़ी होती हैं, एकदम ऐसे प्योरीड नहीं होता है। तो एक टमाटर को मैंने यहाँ पे चॉपर में ही क्रश कर लिया है, ये ऐड किया है। इसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बिल्कुल पाव भाजी का मसाला हम जैसे बनाते हैं ना उसी तरह से बनाया जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल के कुक कर रही हूँ जिससे ये जल्दी से पके। और जैसे पाव भाजी होती है उसमें आप आपकी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ डाल सकते हो, सेम आप इसमें भी आपकी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। मेरे पास जो जो अवेलेबल थे वो मैंने डाले हैं। और ये एक आधा सा छोटा सा शिमला मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप करके लिया है। चॉपर में काटने से काफ़ी महीन हो जाता है तो मसाला पाव अच्छा बनता है, मतलब पाव का मसाला अच्छा बनता है। आप चाहें तो इसको नॉर्मल नाइफ से जैसे हम काटते हैं वैसे काट सकते हो।
तो मसालों में मैंने यहाँ पे डाला है लाल मिर्ची और धनिया का पाउडर, और साथ ही साथ डाला है पाव भाजी का पाउडर। तो 1 चम्मच पाव भाजी मसाला मैंने इसमें डाला है, और बस मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और क्योंकि मैंने टमाटर डाला है और मेरे घर में इसी तरह का चलता है, तो ये गुड टू गो है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हो, तो ये और अच्छा टैंगी सा जायका देगा, वो आपको पसंद आएगा। मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाला है जिससे ये मसाला एकदम ड्राई ना हो जाए। सॉफ्ट मसाला भूनना है हमको जो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, और क्योंकि पाव खुद से काफ़ी ड्राई होते हैं तो मसाला भी ड्राई बनेगा तो उतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा। और काफ़ी सारा मैंने इसमें धनिया डाला है, धनिया बहुत सारा डलता है, तो पाव भाजी में भी धनिया ज़्यादा डलता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जैसा मैंने बताया, आप आपकी मर्ज़ी की यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल सकते हो, गाजर, गोभी, कॉर्न, बीन्स, या चाहे तो थोड़ा पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं। तो मसाला तैयार हो जाने के बाद मैं यहाँ पाव सेक रही हूँ। पाव को ऐसे बीच में से काट के आप सेपरेट कीजिए, क्योंकि यहाँ बीच में हमें फिलिंग करनी है। बेसिकली बर्गर स्टाइल से ही हम इसको फिल करने वाले हैं। दोनों तरफ से बटर लगा के सेक लीजिए, इससे क्या है टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और जो पाव भाजी वाले भैया होते हैं वो लोग भी इसी तरह से सेक के देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने बटर लगा दिया था, सेक लिया है। अब मैं एक साइड पे पाव के ये मसाला रखूंगी और दूसरी साइड से इसे कवर कर दूंगी। जैसे मैंने बताया, अगर आप चीज़ वाला वर्जन चाहते हो, चीज़ डालना चाहते हो, तो इस स्टेज पर चीज़ डालिएगा और ऊपर से फिर आप इसे कवर कर दीजिए दूसरी साइड ऑफ पाव से। और अब इसे थोड़ा थोड़ा मैं दोनों तरफ से सेक लूँगी, बहुत ज़्यादा इसे सेकने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पाव थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, गर्म हो जाएं, बस उतना ही टाइम चाहिए। और हो भी गए रेडी, आपने देखा कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, तो शाम की चाय के साथ पीने के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये आइटम, और छोटी मोटी भूख के लिए भी बहुत अच्छा है। उतना ज़्यादा ना इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ना ही उतना ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ में खुशी प्रे कर रहे हैं खाने से पहले, एज़ यूज़ुअल आप उनके एक्सप्रेशन देखिएगा, दे आर वेरी हैप्पी। उन्हें इस तरह का जो खाना होता है ना, जो रोटी सब्जी नहीं होता है, जो इस तरह का फिंगर फूड कह सकते हैं, बहुत ही पसंद आता है सानवी खुशी को। एंड आई थिंक सानवी खुशी को नहीं, सभी बच्चों की कमज़ोरी होता है इस तरह का फिंगर फूड। तो मैं आने वाले व्लॉग में और भी बहुत सारी ऐसी किड्स फ्रेंडली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, मंचिंग के लिए जो आप दे सकते हो, या फिंगर फूड्स। तो शर्मा जी ऑफिस चले गए और चाय मेरा आज रह ही गया। कोई बात नहीं, मैं चाय बाद में बना लूँगी, और मैं झटपट से करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो मैं कई बार ऐसा आपको बताती हूँ कि मैंने 2 सब्जियाँ बनाया है और मेरा खाना 30 मिनट्स में बन गया है, तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। तो मैं आज इसीलिए, एक्चुअली आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, इट्स जस्ट दैट कि आप भी इस तरह से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। दोनों ही चूल्हों पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैं फटाफट से दोनों सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरफ मैंने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, दूसरी तरफ मस्टर्ड ऑयल और जीरा डाला है। दोनों ही पैन्स में हींग डाला है, क्योंकि मैं दोनों सब्जियां ऐसी बना रही हूँ जिसमें मोर और लेस सेम मसाले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा प्याज दोनों कढ़ाई में डाला है। मैं बना रही हूँ आलू गोभी फ्राई और सफ़ेद मटर जो होता है उसकी दाल। तो जो मस्टर्ड ऑयल वाला मसाला है, ये आलू गोभी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ।
तो प्याज और जिंजर गार्लिक, प्याज थोड़ा सा रोस्ट हुआ है तो जिंजर गार्लिक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको कुकिंग में टाइम सेव करना है, और मेरे ख्याल से आपको करना भी चाहिए, आजकल इतनी गर्मी है तो जितना वक्त हम ऑफ़ द फ्लेम बिताएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो प्रोसेस आप पहले पहले करके रख लीजिए, और जब आप गैस ऑन करते हैं तो तब कम से कम काम करने के लिए रहे तो वही बेहतर है। इससे फिर क्या है, हमको बहुत ज़्यादा टाइम गर्म किचन में नहीं बिताना पड़ेगा। तो दोनों कढ़ाई में मसाला भुन रहा है साइमल्टेनियसली। तो थोड़े टमाटर मैंने आलू गोभी के लिए डाले हैं और थोड़े से मटर के लिए। आलू गोभी फ्राई भी बनती है, बिना मटर बिना टमाटर के भी बनती है। और मैं ऑलरेडी दो वर्जन शेयर कर चुकी हूँ, ये तीसरे तरह से मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो टमाटर डालने के बाद ऑलवेज़ थोड़ा सा नमक, इससे प्रोसेस जो है कुकिंग का वो फास्ट हो जाता है। और आलू गोभी वाले कढ़ाई में मैंने आलू गोभी के टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, जबकि जो स्टील वाला कढ़ाई है उसमें बहुत थोड़ा नमक डाला है, क्योंकि मैंने सफ़ेद मटर को उबालते हुए नमक डाला था। बस रूटीन के मसाले में दोनों में ऐड करूँगी टर्मरिक, रेड चिलीज़ एंड कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा थोड़ा दोनों को भून लूँगी मैं। तो आलू गोभी के लिए आलू भी मैंने चॉप कर लिया है, और डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ मैं आलू और गोभी को मसाले में। तो गोभी के लिए मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का गोभी में। मटर के लिए नहीं ऐड करूँगी मैं। तो बेसिकली जो प्याज लहसुन और टमाटर का मसाला होता है वो 90% ऑफ वेजिटेबल में सेम ही जाता है, तो उतना तो सेम ही था। इसके बाद जो सब्ज़ी आप बना रहे हैं उसको क्या वेरिएशन चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आलू गोभी को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर फुल फ्लेम पे पकने के लिए रखा है, और ये जो मटर का मसाला है ये मैं भून रही हूँ अच्छी तरह। और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जैसा पाव भाजी का मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट देता है पाव भाजी का मसाला। सफ़ेद मटर की दाल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, जिसकी घुगनी भी बनती है और चाट भी बनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सफ़ेद मटर काफ़ी अंडर वैल्यूड दाल है, इतनी न्यूट्रिशियस है लेकिन फिर भी हमारे घरों में बहुत कॉमनली नहीं बनती है। टेस्टी भी बहुत होती है, बट अगेन जब कुछ अच्छा बनाने का मन होता है तो हम छोले और राजमा देखते हैं, और जब नॉर्मल बनाने का मन होता है तो वही मूंग मसूर अरहर की दाल। जाने क्यों ये वाइट मटर उतना कॉमनली नहीं बनता है। तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए मैंने पानी डाल दिया था, और इसको पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है बिकॉज़ जो मटर है वो पहले से ही पकी हुई थी। इसकी चाट भी बहुत अच्छी लगती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। और इसमें एक बॉईल अच्छा वाला आ गया है, तो बस इसको मैं कुकिंग अभी बंद करूँगी। गरम मसाला और धनिया के साथ मैंने इसे गार्निश किया है, और लास्ट में एक नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत एनहांस हो जाता है। और ये जो मटर की दाल है ये बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ खाने के लिए। तो यहाँ मेरे सफ़ेद मटर तो हो गए हैं तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, आप चाहे तो थोड़ा गाढ़ा या और थोड़ा रनी रख सकते हो। यहाँ पे आलू गोभी में आलू और गोभी दोनों ही गल गए हैं, आजकल की गोभी उतने अच्छे से नहीं गलती है जितनी विंटर्स वाली गलती थी, इसलिए मैंने इसको पानी डाल के थोड़ा सा पकाया है। तो दोनों ही अच्छे से पक चुके हैं, तो मैं फ्लेम फुल करके इस वक्त ये पानी जला दूंगी। ऐड किया है मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला और आमचूर का पाउडर। तो पानी मैंने डाला था सिर्फ इसको अच्छे से कुक करने के लिए, अब जब कुक हो गई है तो इस पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये पानी और जो है सब्ज़ी को मशी बनाएगा, इसलिए मैं इसको फुल फ्लेम पे जला रही हूँ। और आप यकीन मानिए मुझे खाना बनाते बनाते नींद आ रही थी, क्योंकि मुझे शाम में चाय पीने की आदत है, तो मैंने सोचा था एक बार खाना पूरा हो जाएगा तो मैं चाय लेकर बैठूंगी, पर मुझसे वेट नहीं हुआ, इसलिए मैं पहले अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, उसके बाद मैं जो राइस और चपाती है वो करूँगी।
पता नहीं क्यों आदत जैसी लग जाती है शायद। जिस टाइम पे जो काम होना होता है अगर वो ना होए तो थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। शाम को शर्मा जी आए थे, उनको जल्दी से ऑफिस जाना था तो चाय नहीं बना था तभी, वो फटाफट बस खाकर ही चले गए थे। मुझे शाम से इतनी क्रेविंग हो रही थी चाय की, आई थॉट कि एक बार फ्री हो जाऊंगी तब मैं चाय पीऊंगी, पर मुझे फिर नींद लगने लगी तो इसलिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ पहले। और यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई है, और ये वाली जो सब्जी है गोभी की, ये भी बस फिनिश करने के लिए ही है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं एक बार इसको प्रॉपरली फिनिश कर देती हूँ, देन आई विल बी फ्री थोड़ी सी देर के लिए एटलीस्ट। तो ये देखिए फुल फ्लेम पे मैं इसे पका रही थी और ये तेल दिखने लगा है, जहाँ जहाँ पानी दिख रहा था वहाँ सब जगह तेल निकल आया है। तो बिल्कुल यही पहचान है कि आलू गोभी की सब्ज़ी अच्छी तरह पक चुकी है। और मैंने गैस बंद कर दिया है, मैं यहाँ पे जो है इसको फिनिश कर रही हूँ हरे धनिए के साथ। अगर आप आलू गोभी की सब्ज़ी में पानी देखते हैं तो बिंदास होकर उसका पानी जलाइए, अदरवाइज़ उसके अंदर वाटरी कंटेंट रहेगा तो आपकी आलू गोभी फ्राई उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अब आप इसे देख सकते हैं एकदम ड्राई बनी है सब्ज़ी एंड फुली कुक्ड भी है ये। तो ये जैसे मैंने आपको बताया तीसरा स्टाइल है जैसे मैं आलू गोभी बना रही हूँ, और दूसरे वर्जन मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपीज़ पसंद आए हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और रेसिपी पसंद आया है तो इन्हें शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए, आपकी राय मुझसे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।